क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन। सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी। फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा कौसा में अब मस्जिद, मदरसे, मंदिर, अन्य धार्मिक स्थलों के बिजली के बिल माफ करने की मांग हो रही है। गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवहट से जमीयतुल उलमा मुमरा अध्यक्ष हफीज मोहम्मद अयूब, कारी अयूब रज्जाक खान, कारी मखदूम हफीज अयाज, हफीज हुजैफा मौलाना फैजान ने मुलाकात की और लॉकडाउन के दरमियान के 3 महीने की बिजली बिल माफ़ किए जाएं ऐसी मांग करते हुए गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवहट को लेटर दिया। जमीयत उलमा हिंद के सदस्यों का कहना है कि लोगों के पास पैसे नहीं है, ऐसे में धार्मिक स्थलों को चंदा कहां से मिलेगा, जब खुद लोग परेशान हैं, स्कूल फीस और बिजली बिल अपने ही घर के लोग नहीं भर पा रहे हैं तो धार्मिक स्थलों को चंदा कहां से देंगे। ऐसे में जमीयतुल उलमा के सदस्य गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवहट से मुलाकात की और मुलाकात में मांग की गई कि 3 महीने की बिजली बिल मस्जिद और मदरसे अन्य धार्मिक स्थलों की माफ़ की जाए। जैसा कि 7 महीने से कोरोना का महाकाल चल रहा था, उस ताल्लुक से हमने जितेंद्र अवहट साहब से मुलाकात की है कि सर कम से कम मस्जिद और मदरसे और धार्मिक स्थल जो भी हैं 3 महीने के लिए बिजली बिल जो है उसको माफ़ करा दीजिए, ये बहुत मेहरबानी होगी। क्या आप मसाइल चल रहे हैं मस्जिद मदरसे में? सर सब परेशान हाल हैं और जो चंदा जो पेटी घूमती थी वो फिलहाल बंद है, इसलिए हर कोई परेशान हाल है। तो इसलिए हमने सर से रिक्वेस्ट किया है और रिक्वेस्ट करने के बाद सर ने हमने वादा किया है कि हम ये जो भी इनके मिनिस्टर हैं बिजली बिल के वो काम करा के हम देंगे इंशाल्लाह।